हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टंटी पे दोस्तों मैं आज बात करूंगा एम के फ़ोन के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ए एम वीडियो नहीं बना रहे हैं साहब सिर्फ सर सिर्फ रियलमी ओप्पो पे ज्यादा वीडियो बनाते हैं या वीवो पे भी कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाते तो मैं एम आई का आज वीडियो बना बनाऊ दोस्तों की एम आई में एम आई एंड्रॉयड स्मार्टफोन एम आई से कोई भी रिलेटिव फोन हो एम आई जो भी कोई भी मॉडल हो एम आई में आपका फोन लॉक हो गया है अनलॉक नहीं हो रहा है मैं सर्विस सेंटर द्वारा कैसे लॉक अनलॉक होता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये वीडियो लास्ट तक देखेगा लास्ट तक देखिएगा बहुत ही मजे आने वाले आपका फोन भी अनलॉक हो जाएगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो जो मैं चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ ही दबा देना, कभी पे वीडियो हो। सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए वीडियो, वीडियो दोस्तों। दोस्तों, बिना डेटा लॉस किए हुए यहाँ पे मैं डेटा भी लॉस नहीं करूंगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों विदाउट कंप्यूटर के बजाय बिना जो होता है ना डेटा लॉस क्लियर डेटा क्लियर विदाउट डेटा क्लियर फर्स्ट यहाँ पे एयरप्लेन एयरप्लेन मोड को ओपन करना है सेकेंड इसमें से जो सिम कार्ड हो मेमोरी हो सब निकाल लेना और थर्ड फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर देना दे कर लेना है फिर इसके बाद यहाँ पे पैटर्न हो पिन हो पासवर्ड हो लेना देना कुछ नहीं है दोस्तों कुछ नहीं है मात्र तो यहाँ पे आपका फोन लॉक हो गया अनलॉक नहीं हो रहा मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ इमरजेंसी कॉल को खोजना है इमरजेंसी कॉल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पर भी होगा मॉडल में हर जगह चेंज होते रहता है दोस्तों फिर इमरजेंसी कॉल पर जाना है इमरजेंसी कॉल पर जाने के बाद यहाँ पर मैं मास्टर कोड डालूंगा दोस्तों चार हैच सेवन ना सेवन इसको कोड को लिख लीजिएगा स्क्रीन ले लीजिएगा इसको मात्र छह टाइम इसको कॉल करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड इस कोड को आपको हटा लेना इस ये कोड भाई एफ आरपी गुण बहुत ही काम आते हैं जो आपको एक फार फी गूगल में लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों इस कोड को हटा लेना है इस कोड को हटाने के बाद यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन करना स्टार है स्टार हैच एट डबल नाइन हैच यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे हो गया इंजीनियर मोड का फाइल ओपन यहाँ पे गौर से यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी कोई भी चीज शेयर शेयर नहीं करना है दोस्तों मैं जो बोलूँगा उस पर फॉलो करिएगा आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोन रख देता हूँ यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे मेनो टेस्ट पे जाइएगा मेनो टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे स्कॉर्पियो यहाँ पे एम सेंसर खोजिएगा एम सेंसर एम सेंसर को ओपन करना है एम सेंसर कहाँ एम सेंसर वो नीचे एम सेंसर को ओपन कीजिएगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा दोस्तों तो आप इसको बैक करिएगा अगर कम हो तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिएगा यहाँ पे नाइन्टी डिग्री जरूर होगा दोस्तों फिर इसके बाद बैक करना है फिर जी सेंसर भी हो वहाँ पे ओपन करना है जी सेंसर को ओपन करना है यहाँ पे जी सेंसर भी यहाँ ओपन हो गया यहाँ पे एक और देखना है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैक करना है यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेट को ओपन करना है यहां पे मेरा सेंसर एक होगा यहां पे पास होगा फेल होगा कोई गारंटी नहीं लेकिन यहां पे मैं पास होना जरूरी है दोस्तों यहां पे बताता हूं यहां पे टाइप कर देंगे यहां पे अधिकतर फेल होगा एक सेंसर जरूर फेल होगा यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फेल हो गए एक बार बैक करके फिर एक बार सेंसर सेल्फ को ओपन करना है एक बार और यहाँ पर फाइल या पास दो बार टाइम करना दो बार फाइल बता रहे आपको दोस्तों कोशिश नहीं करना फिर बैक करना फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ पे कंफर्म कर देना सेकंड वाले जाके कंफर्म करना है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे की स्टेड आपको चेक करना बस की शेट गूगल के अब यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए गूगल की पास एफ आर पी गूगल में बहुत ही काम आते हैं भाई गूगल की तो गूगल की आपका पास हो जितना कॉल आपका फोन से कॉल लगा यानी फोन में लॉक लगा हुआ गूगल की के वजह से लगा हुआ फिर उसका बैक कर दीजिए बैक करने के बाद यहाँ पे डाटा बेस से तीन

ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और कमेंट सेक्शन से में पताएगा कोई भी प्रॉब्लम हो फोन में कमेंट में जरूर बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में हल लाऊंगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग